प्रणाम मित्रों, अधिकतर लोगों का मानना है कि जिस तरह पेट की भूख भोजन होती है, उसी तरह शरीर की भूख सेक्स होता है। हम चाहे कितनी बार भी सेक्स कर ले, संतुष्ट हो जाएं, लेकिन पुनः पुनः कुछ दिन बाद हमें फिर से सेक्स की जरूरत महसूस होती है। जिस तरह पेट को भोजन की भूख होती है, उसी तरह शरीर को सेक्स की। पेट को भोजन की भूख होती है, यह सही है, लेकिन शरीर को सेक्स की भूख होती है, ये गलत है। मैं आपको बता दूं, सेक्स शरीर की भूख नहीं है, सेक्स आनंद की भूख है। जी हाँ, हर मनुष्य आनंदित होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, तनाव मुक्त रहना चाहता है, लेकिन सेक्स जो है वो सबसे सस्ता, सरल और सीधा उपाय है तनाव मुक्त रहने का, या यूं कहो आनंदित रहने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, और आनंद पाना हर कोई चाहता है। हालांकि आनंद पाने के, आनंदित होने के, खुश होने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप आनंदित हो सकते हैं, लेकिन वो रास्ते लंबे हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सेक्स सबसे सरल होता है, इसलिए हमको लगता है कि सेक्स के थ्रू हम आनंदित पाते हैं। यहाँ पे मैं सेक्स के खिलाफ नहीं हूँ, हालांकि देखा जाए इस जीवन में सेक्स बहुत जरूरी है। सेक्स से न केवल हम मेंटली और फिजिकली दुरुस्त रहते हैं, बल्कि हार्मोनली भी हम बैलेंस्ड रहते हैं। यहाँ तक कि सेक्स को एक बहुत अच्छा मूड एलिवेटर या मूड बस्टर माना जाता है। सेक्स तनाव को कम करता है, तो सेक्स के बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन किसी भी चीज की अति हमें खराब कर देती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने निजी रिश्तों को, अपने वैवाहिक जीवन को सेक्स से ही तोलते हैं। वो सोचते हैं कि सेक्स अच्छा चलेगा तो रिश्ते अच्छे चलेंगे, सेक्स होगा तो कोई तीसरा नहीं आएगा, सेक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब शक करना हमने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स होना चाहिए अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए, एक जरूरत की तरह, लेकिन लत की तरह नहीं, एक कारागृह की तरह नहीं कि उसमें आप कैद हो गए, बिना उसके आप जी नहीं पा रहे, आपको कहीं ना कहीं और जाना पड़ रहा है। उसके बिना, सेक्स के बिना आपको जीवन अधूरा लग रहा है, सेक्स के बिना आपको अपने संबंध अधूरे लग रहे हैं और अपने अच्छे खासे रिश्तों को आप खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सेक्स के कारागृह में नहीं रहना कि यदि सेक्स नहीं हो रहा या कम हो रहा है। सेक्स का कम होना चल सकता है, ये बात सबके लिए मैटर करती है, एज को देखते हुए, अपने हार्मोन्स को देखते हुए, या जरूरत को देखते हुए, बिजी शेड्यूल को देखते हुए, हर एक की जरूरत कम ज्यादा हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई कम करता है, ज्यादा करता है तो प्यार ज्यादा हो या कम होता होगा, ये हर पर्सन पे वेरी करता है। लेकिन इस पर हम ये नहीं कह सकते कि जो लोग ज्यादा करते हैं उनके रिश्ते अच्छे होंगे। और इसको हम एक रूल की तरह बना ले कि जिस तरह पेट की भूख भोजन होती है, उसी तरह शरीर की भूख सेक्स होती है। तो हम अपने पार्टनर से, अपने साथी से सेक्स की उम्मीद हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, और हम ये कहते हैं कि नहीं, सेक्स की भूख तो हम कभी मार ही नहीं सकते। नहीं, ये एक्सक्यूज ना दे के सेक्स के बिना जिया नहीं जा सकता, कि शरीर की जरूरत है सेक्स। जिस तरह भोजन की कुछ दिन बाद भूख लगती ही लगती है, आप बिना भोजन के नहीं रह सकते, ऐसे ही सेक्स के बिना भी आदमी नहीं रह सकता। सेक्स के बिना आदमी रह सकता है यदि उसके जीवन में सच में प्रेम हो। और बात सेक्स के बिना रहने को कह कौन रहा है? आपको कोई ये नहीं कह रहा कि सेक्स के बिना आप रहें। आप सेक्स को रखें, सेक्स जरूरी है, सेक्स उपयोगी है, मैंने वैज्ञानिक ढंग से भी, और शारीरिक ढंग से भी, लेकिन सेक्स को अपने जीवन का मुद्दा ना बनाए, अपने जीवन का केंद्र और आधार ना बनाए कि उसके बिना ध्यान भी ना लगे, उसके बिना प्रेम प्रेम भी नजर ना आए, इतना नहीं होना चाहिए। और उसको ऐसे ना कर दे कि इसके बिना तुम रह ही नहीं पा रहे। ध्यान रखें, सेक्स जरूरी है, जरूरत है, वह लत नहीं होनी चाहिए। लत होते ही वह आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके शरीर को खराब करना शुरू कर देगा। इसीलिए सेक्स से मुक्त हुआ जा सकता है, उसकी कारागृह से मुक्त हुआ जा सकता है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि सेक्स आनंद की भूख है। हम सेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आनंदित रहना है। जिस दिन आप उससे बड़ा आनंद खोज लेते हो, कोई और ढंग खोज लेते हो, वो चीज छूट जाती है। इसको आप ऐसे सोचे, बचपन में आप गुड़िया गुड्डे से खेलते थे, आपको गुड़िया गुड्डे में रस था, तब वही आपका जीवन था, वही आपका संसार था। बड़े होके क्या आप गुड़िया गुड्डे से खेलते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आपको किसी ने फोर्सफुली कहा छोड़िए? नहीं। क्या आपने कोई व्रत उपवास किया छोड़ने का? नहीं। क्या आपको किसी ने डंडे के जोर पे गुड़िया गुड्डे छुड़वाए? नहीं। बोध हुआ, छूट गया, उससे बड़ी कोई चीज मिली, गुड़िया गुड्डे
छूट गए। सिमिलरली जब आपको सेक्स से बड़ी कोई चीज आनंद की मिलती है तो सेक्स भी आपकी छूट जाती है, या यूं को छूटती नहीं है, गौण यानी सेकेंडरी हो जाती है। आप उस पर पूरी तरह से आधारित होकर अपने रिश्तों को और स्वास्थ्य को तहस नहस नहीं करते। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। सेक्स के प्रति इतनी संकुचित और नकारात्मक सोच न रखें। सेक्स एक अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन सेक्स के प्रति इतना लगाव, इतनी बेचैनी और इतना उस पर आश्रय होना, यह गलत है। आशा है आप इस बात पे गौर करेंगे, इससे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपकी ऊर्जा भी रूपांतरित होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।